गुरुदेव के गुरुद्वारा दे सेवा करते सन उन्हां दी सेवा नू आप जी ने चार चरण चाढ़े हन साध जगत की जो बुजुर्ग सेवा करदे हन उन्हां दा स्टेज ते ना लेना कोई पाप नहीं वो बड़ी चंगी गल है जो के चंगे पुरने पा के गए हन बच्चियां नू चंगे पासे ला के गए हन तो साध जगत जी समा बहुत घट है उसने इतिहास के बहुत सारा सुनिया है दास एक ही बेनती करेगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सारा कुछ इतना करते हुए लास्ट जिस वेले इस संसार तो चलन की तैयारी करते हम उस वक्त उन्होंने जो सानू हुक्म किया सी क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी के समय भी गुरु लभना बड़ा औखा हो गया सी ते जे अगर ये कोई गल चलती रहनी ते गुरु फिर बड़ी मुश्किल सी इस वास्ते उन्होंने वो ला दी सी दस गुरु ते ग्यारहवें गुरु ग्रंथ साहब हैं ते ये हुक्म किया सी आ गया कई अकाल की तब चलायो पंथ साध सिखण को हुक्म है गुरु माणियो ग्रंथ साध संगत जी महाराज साहब काला गुरु से मिले रहे आज भी उस दुनिया में नहीं है पर काला गुरु के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया मैं आप लोगों का और काला गुरु के लोगों का जिंदगी भर आभारी हूँ जिंदगी भर आभारी रहूंगा और मैं सच बताऊं कि यहाँ पे इलेक्शन लड़ना तो भूत की बात खड़ा होना मुश्किल था अगर ये बड़ी बड़ी गद्दियों की सीट हमारे साथ भी होगी और मैं सच बोलता हूँ कि जब मेरे वाली साहब इस दुनिया से गए तो बिल्कुल खत्म हो चुका था पर भाई गुरु जी ने और ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया और मुझे वापिस जिंदा कर दिया है ये इन भगवान का खेल है मैं सच बताता हूँ मेरी जिंदगी का बहुत मुश्किल वक्त था ये जो छह महीने जिंदगी के मेरे निकले हैं आप सब जानते हैं मैं अपने वाली साहब का कर्म कर रहा था और ये इलेक्शन आ गई और मैं दिन रात लोगों के बीच में गया और कालाकोट के लोगों ने मुझे प्यार दिया और मैं सच बोलता हूँ कि मैं इस बड़ी जगह में मैंने यहाँ पे जब मैंने सियासत की शुरुआत की थी मैंने कसम खाई थी मैं जितनी देर सियासत में रहूंगा मैं अपने वालिद की तरह रहूंगा और ईमानदारी से रहूंगा और आज मैं इस गद्दी में भी कसम खा के जाता हूँ कि जितनी देर मैं यहाँ रहूंगा कालाकोट के लोगों की हमेशा सेवा करूंगा और ईमानदारी से सेवा करूंगा शायद आज मेरे वाली साहब सब जानते हैं ठाकुर शिवपाल सिंह साहब अगर जिंदा होते तो इस दिन को देखने के लिए बहुत खुश होते क्योंकि वो अक्सर इस गुरुद्वारे में आया करते थे और आने वाले वक्त में जो यहाँ से मेरी मैडम और मेरी मदर बीबीसी जीती है मैं कालाकोट के लोगों के लिए काम करूंगा और मैं सच बोलना चाहता हूँ आप माताएं और बहनों को देख के मेरा दिल बहुत होता है कि आपने एक माता को यहाँ से आगे किया जो मुश्किल वक्त में थी और मेरे जैसे अनाथ बच्चे पे क्योंकि मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि किसी बच्चे को जिंदगी में अनाथ ना बनाया जाए क्योंकि अनाथ बच्चे का दुख कोई समझ सकता है जिसके साथ बीती होती है और मेरे साथ जो बीता है और वो मुश्किल वक्त में मेरी जिंदगी का पर आप सब जानते हैं कि ऊपर वाले की घर में देर है दे नहीं है कि कभी उनके आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ खड़े होने के काबिल हुआ और मैं सच मानता हूँ मेरे इधर आने के काबिल भी नहीं था ये प्रधान साहब का हुक्म था कि आपको आना है और जब इनका हुक्म हुआ तो मैं आया और मैं सच बोलता हूँ कि आने वाले वक्त में प्रधान साहब के साथ मिलकर हम आने वाले अपने लोगों के लिए यहाँ काम करेंगे और इस गुरुद्वारा के में हम आया करेंगे और जैसे मेरे वाली साहब आते थे वैसे आया करेंगे अंत में मैं अपनी माताएं बहने और सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपनी माता श्री अनिता ठाकुर जी जो यहाँ से डीडीसी जीत के आए उनकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जल्द ही वो भी यहाँ पे आए मैं आप माता और बहनों का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने मेरी माता का साथ दिया सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा साथ में ये इतना बड़ा दिन है आज कि आज हमें यहाँ पे बुलाया गया और यहाँ पे हमें बुलाया गया तो मेरा काफी दिल था यहाँ पे आने का क्योंकि मेरे वालिद साहब जब जिंदा थे तो हर टाइम जब भी यहाँ फंक्शन होता था तो आया करते थे तो मैं अपने जम्मू से अपने साथियों को साथ लेके आया हूँ मैं इनका भी मशहूर हूँ और यहाँ पे जो भी यहाँ की कमेटी है मैं उनका भी मशहूर हूँ और खासकर ये हमारे प्रधान साहब हैं इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया मैं इनका बहुत मशहूर हूँ और मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा After that, 6 months. एक जिस तरह अवसर जी मिसाल दे रहे थे उस तरह ही इस बेटे ने 6 महीने
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5-7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। हम सारी टीम नारिया में गए हुए थे और गुरुपुरब के मौके पे आज यहाँ पे हमें बुलाया गया था और यहाँ पे हमारी पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम गई थी जिसमें हमारे सीनियर अहदेदार गए हुए थे और सब लोग वहाँ गए थे। एक तो मैंने लोगों का वहाँ शुक्रिया अदा किया कि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरी मदर अनिता ठाकुर जी को उन्होंने साथ दिया और साथ ही साथ आज यहाँ पे जब हम आए थे हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे क्योंकि इतना बड़े दिन में उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हम सब पार्टी के लोग गए थे और साथ ही साथ यहाँ के गुरुद्वारा के लिए मैंने अपनी तरफ से 21,000 रुपए की वहाँ जो गुरुद्वारा कमेटी को मैंने वहाँ अनाउंसमेंट करके आया हूँ कि मैं 21,000 रुपए अपनी तरफ से वहाँ पे गुरुद्वारा के लिए काम के लिए दूंगा।